हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वी प्ले। अगर आप भी अपने फोल्डर में इमोजी लगाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले देखो लॉग गो। अगर आपको किसी भी फोल्डर में इमोजी लगानी है तो सबसे पहले आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग जो आपका फोल्डर बना हुआ है उस पर भी कर सकते हो। मैं इसका नेम दे देता हूँ डेमो आपको समझाने के लिए। जैसे ही फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ये टास्क बार है ना, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक होगा यहाँ पर आपको शो टच कीबोर्ड बटन पर क्लिक कर देना है। अभी तो मैंने टिक पहले से था, अब मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको शो कीबोर्ड टच बटन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड का साइन आ जाएगा। ये सिर्फ विंडो 10 में होगा, विंडो 7 में नहीं हो सकता। तो आप क्या करो, इस फोल्डर पर राइट क्लिक करो, देन रीनेम, और उसका शॉर्टकट F2 है। आप F2 दबाओगे तो डायरेक्ट ऐसा ओपन आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जैसे D से पहले यहाँ इमोजी लग जाए, तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो अपना कर्सर आ जाएगा ब्लिंक वाला। उसके बाद ये टच कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको इमोजी के आइकन दिख रहा होगा और नॉर्मल कीबोर्ड आ जाएगा ये। तो जैसे इमोजी वाले पर क्लिक करेंगे तो वही अपनी बहुत सारी इमोजी आ जाएगी, आप कोई भी लगा सकते हो उस पर। जैसे मैं हार्ड लगाऊंगा, जैसे इस पर लगाया यहाँ, और मैं एंड में लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इसमें बहुत सारी इमोजी अवेलेबल है, जो मोबाइल में मैक्सिमम होती है ना वो सारी इसमें मिल जाएंगी, सारी दिख जाएंगी। बस इसका थोड़ा लुक वाइज अलग है, लेकिन मिल जाएंगी सारी इमोजी। जो जैसे ये इमोटिकॉन्स हो गए अपने स्माइली फेसेस, इसमें आप माउस कर्सर को ऊपर नीचे करोगे तो आप स्लाइड कर सकते हो कि इस वाले कैटेगरी में कितने हैं। ये गर्ल वाले में करोगे तो इसमें एनिमल्स, पीपल, हैंड्स वैंड सब मिल जाएंगे। ये पार्टी, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सब मिल जाएंगे इसमें, टैग रिलेटेड जो भी हैं जो अपने इमोजीज होते हैं। इसमें खाने पीने के आइकन्स मिल जाएंगे जो मोबाइल में होते हैं, एंड इसमें ट्रांसपोर्ट, हार्ट में वो सिंबल्स होते हैं, टिक मार्क मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉक्स मिल जाएंगे, एंड देन अपना ये तो ही सिंबल्स वाला इमोजी, ये सारे चीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फोल्डर में इमोजी लगा सकते हैं और ऑर्गेनाइज रह सकते हैं, कि आप डायरेक्ट नेम पढ़ के हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या फिर दो तरह के, या फिर आप फोल्डर आइकन चेंज कर लो, या फिर आप नेम में इमोजी लगा दो, तो इमोजी से अपन को डायरेक्ट दिख जाएगा कि इस वाले फोल्डर में ये चीज़ है। अब जैसे आप, अगर आपका सॉन्ग्स का फोल्डर है तो आप सॉन्ग्स में वो म्यूज़िक वाला नोट वाला इमोजी लगा सकते हैं, जिससे आपको देखते ही समझ आएगा ये सॉन्ग्स का है। सॉन्ग्स तो लिखा तो आपको दिखे जाएगा, लेकिन साथ में इमोजी भी दिखेगा तो और जल्दी उस पर व्यू जाएगा आपके आइज का। जैसे मैं आप अपना दिखा देता हूँ, मैंने कर रखा है, मेरी जो ड्राइव है इसमें मैंने सबके आइकन चेंज कर रखे हैं। आइकन चेंज करने की वीडियो में जल्दी जाऊँगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, नीचे जो बटन दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसके आइकन चेंज कर रखे हैं और हर नेम के आगे मैंने इमोजी लगा रखा है, एक को छोड़ के। बस एंटरटेनमेंट में मैंने ये हेडफोन्स लगा लिए, प्रैक्टिकल जो मैं करता रहता हूँ उसमें मैंने वीडियो लगा लिए, स्टडी में मैंने बुक्स पेज का इमोजी लगा लिया, डाउनलोड में सेटिंग वाला इमोजी लगा लिया, एंड मेरे प्रोजेक्ट है या एडिटिंग के प्रोजेक्ट है इसमें मैंने कैंची वाला इमोजी लगा लिया, एंड ये आइकन से भी दिखने में, वैसे तो ये मैंने आइकन चेंज कर लिया था, आइकन से देख के समझ आ रहा है कि कौन सी में क्या है। ये वाला एंटरटेनमेंट का ये सर्च है, जो मेरी आलतू फालतू फाइलें पड़ी रहती हैं उसमें मैंने ये वाला साइन लगा रखा है मैग्नीफाइंग लेंस का, जिससे मैं सर्च कर सकूँ कोई भी चीज़। ये डाउनलोड का, डाउनलोड वाला आइकन, और साथ में इमोजी भी है तो मेरे को और अच्छे से समझ आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ है। तो इस तरह आप किसी भी फोल्डर के नेम में इमोजी आइकन लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, और जो नीचे बड़ा सा सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना रेड कलर का, उसको दबा देना, जिससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो बाय बाय।